बेताब जब भी करता है सफ़रे मदीना, मुझे अपना ही घर काटने को आता है। मुझे आप ये जो हज कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद है वो ये है कि जो भी परेशानियां दुश्वारियां हजियों के रास्ते में आती हैं, यहाँ से हज बैतुल्ला या मदीना मुनव्वरा के जाने तक उनको ट्रेनिंग नहीं मालूम होती, वो ट्रेनिंग यहाँ पर कुरान और हदीस की रोशनी में, जहाँ ईरान के उलमाए दीन आए हुए हैं, वहीं इंडिया के भी उलमाए दीन, जिसमें आपने देखा असगर साहब आए हैं, वहाँ के हमारे हज सफ़ी हज के हैं, और यहाँ से मुफ्ती मुकर्रम साहब और उलमाए दीन आए। तो उनका मकसद यही है कि हाजियों को बताया जाए, लोगों को बताया जाए, और तबादला ख्याल से इंडिया और दिल्ली हज कमेटी के तबादला ख्याल से जो परेशानियाँ थीं, जो बातें हमें नहीं मालूम थी वो बातें हमें मालूम हुई, जो उन्हें नहीं मालूम थी उनको हुई, कि किस तरह से हाजियों को ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह खाने का निज़ाम होता है, किस तरह वहाँ पर, क्योंकि जिनने 2-3 साल पहले जो गया वो सऊदी अरब बहुत बदल गया, बिल्डिंग्स टूट गई, रोड बदल गए, और आपने देखा कि शैतान को मारने के लिए पहले कितना हादसे होते थे, अब वो हो गया है। तो इस तरह की सारी चीज़ों से, मोनो रेल का है, सिम कार्ड का है, एटीएम कार्ड का है, ये सारी चीज़ें नई नई फैसिलिटी हाजियों को मिल रही हैं। तो ये जब तक हम लोग नहीं बताएंगे तो हाजी को क्या पता, हाजी को अरकान के बारे में क्या पता। तो ये अरकान को बताने के लिए, हज के बारे में बताने के लिए ये सारे उलमाए दीन यहाँ आए हुए हैं। अब हज से ही मुतालिक मकाले चल रहे हैं, इसमें जो हमारा मकाले वाला जीतेगा उसको हम इनाम भी देंगे ईरान वालों की तरफ से, और उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। जी, यहाँ पे हज कॉन्फ्रेंस में जो है इत्तेहाद मुस्लिमीन की बात आई है, तो हर किसी ने जो है उस पर वो काफ़ी जोर दिया, तो आपकी नज़र में इत्तेहाद मुस्लिमीन को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है? देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक तो लातुफ से दूफिल अर्ज़ है कहता, कुरान पाक तो लातुफ से दूफिल अर्ज़ है कहता, कुरान का पैरू फिसादी हो नहीं सकता। जब हमारा ये यकीन है कि कुरान का पैरू जो है फिसादी नहीं हो सकता, फिर ये जो आज पूरी दुनिया में आफतें आई हुई हैं मुसलमानों के ऊपर, काट मार मुल्क बर्बाद किए जा रहे हैं, मुल्क काटे जा रहे हैं, गलत है। इस्लाम तो अमन का पैगाम देता है, अगर कोई इस्लाम गलत नहीं है, इस्लाम के मानने वाले गलत हो सकता है, अगर एक आदमी की सज़ा पूरे इस्लाम के मानने वालों को दो या आम मुसलमानों को दो, तो गलत है। इसलिए ही कहा जाता है कि हम आपस में इंतशार में हैं, हम आपस में अलग अलग कर दिए, हमने आपस में फूट डाल दी, कि देवबंदी के नाम पे, बरेलवी के नाम पे, शिया के नाम पे, सुन्नी के नाम पे, यही यहाँ मैसेज है कि हम सब एक हैं इस्लाम के मानने वाले। जैसे कल्ब सादिक साहब ने कहा कि मस्जिद ना शिया की है ना सुन्नी की है, मस्जिद अल्लाह की है, वहाँ पे आइए नमाज़ पढ़िए, यही मैसेज है, यही हम कहना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं। आज जो दुश्मन इस्लाम हम पे हावी हो रहा है वो यूँ हो रहा है कि हमें अलग अलग कर दिया, इसलिए हम ये नहीं कह रहे कि हम उससे मुकाबला करें, हम ये कहते हैं हम आपस में एक रहें, उसकी बातों में ना आए। आज उन्होंने ये भी कहा कि अगर उसकी गलती है जो हमें इस्लाम का दुश्मन हो रहा है, तो उसका साथ भी तो मुसलमान दे रहे हैं, उन्हें भी तो नहीं देना चाहिए, यही बात है ना। थैंक यू।